अज असी तखत श्री केसगढ़ साहब ते खालसे दे जन्म दिहाड़े ते इकहत्तर होए हाँ। फतेह की सांझ पाउणा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। असी जो सोचते हाँ पर ज्यादे करते उस तो उल्ट ने। जदों असी इन्हां गल्लां ते अमल करन लग जावांगे कि असी सोचिया की है तो उही कुछ करना तो उही कुछ ही होगा तो फिर असी किसी मंजल वद भी वधांगे। सानू जो अज दे हालात देख के तो अज मैनू लगता भी सारिआं नूं ही इह गल महसूस होण लग गई है कि सानू साडा राज चाहीदा। असी काफ़ी संगतां दे विच पिंडां दे विच विचरदे हाँ, हर थावां ते विचरदे हाँ, पर जो हुण दा हालात बनिया वह दसदा आ कि सारे लोगों के अंदरों एक आवाज़ आउंदी आ कि साडा राज चाहीदा, असी गुलाम आ। तकरीबन ही ज़्यादियां संगतां नूं यह महसूस होया इन्हां हालातों देख के, क्योंकि अज जदों असी बठिंडियों चले हाँ तो मेरा ख्याल है भी असी पंज क जिले लंघे तो दस तो बारह बड़े बड़े नाके से, जिवें कोई बहुत बड़ा कुछ नवा होने वाला, डब्बियां जीआं वालियां वर्दियां वाले भी, दूजे खाखी वर्दियां वाले भी बहुत बड़ी तादाद दे विच उन्हां नाकियां ते जिहड़ी पुलिस ते दूजे खड़े सी ते हरेक नूं रोकिया जा रहा सी, इस तरह उन्हां दीआं गड्डियां च देखिया जा रहा सी कि पता नहीं अंदर की आ, ते अंदर वाले नूं ऐ महसूस हो रहा सी भी पता नहीं ये बाहरों की करनगे। जो अज दे हालात ते कुछ दिनों तो पिछे बने हुए ने, नौजवानों नूं फड़िया जा रहा, जेलों च दिता जा रहा, किसी बाहर दीआं स्टेटां दे विच किसी नूं किते किसी नूं किते, ते ओह उत्थे गल नहीं रुकी। जिवें कल दी ही खबर सी कि दमदमा साहब जिथे खालसे का जन्म दिहाड़ा बड़ा वड्डी पद्धर ते मनाया जांदा उत्थे 144 ला दित्ती आ। भई क्यों? ओह तां हर साल की तरह ही उत्थे जो समागम हुंदे ने होणे ने, संगतां ने दर्शन मेले करन आउणा, ते 144 का कारण सिर्फ दहशत भी 144 लग गई आ हुण असीं जाणा नहीं उत्थे। पर मैं इत्थों अपील करूँगा कि जिवें अज भी बाबा वड्डी गिणती च संगतां इत्थे आनंदपुर साहब पहुँचियां ने, ते कल नूं भी तख्त श्री दमदमा साहब साबो की तलवंडी विच भी वध तों वध पहुँचण, जो नाल नाले चल रहा सिख आगुआं दे घरीं प्रचारकां दे घरां दे विच जिन्हें भी कोई विचर रहे ने, जां तो उन्हां नूं फोन किए जा रहे ने, जां उन्हां दे घरां दीआं तलाशियां लईआं जा रहीआं। परसों ही साडे भी घरे दुपहरे 1 बजे रेट मारी ते मैं भी घरे सी, मैनूं आंदे जी असीं तलाशी करनी आ। मैं क्या भी किस गल ते? आंदे सानूं उत्तों हुक्म आया कि पप्पल प्रीत मालवे दे विच रह के गया। मैं क्या जो रह के गया ते तुसीं उन्हूं रेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, मगर की रह गया? आंदे नहीं, फिर भी पता करना कि असीं तलाशी करनी आ। मैं क्या तलाशी कर लो, मैं साडे कोल की आ? उन्हां ने साडे सारे घर की तलाशी की, जिन्हों कहिंदे पत्ता पत्ता फोलता। हुण उत्थे कोई तां है नहीं सी कि कोई बैठा सी जां कोई इही जी गल सी, क्योंकि असी समाज दे विच विचरदे हां, रोज देखदे हां की हुंदा। रात मैनूं पंथ दे जाने पछाने ढाडी सिंह ने, भाई अमरजीत सिंह जी जौल विधिपुरिया, उन्हां दा फोन आया रात 7-8 बजे कि बाबा जी मेरे घर में भी बहुत बड़ी तादाद ते घेरा पा के तलाशी की गई है। होर भी इस तरह बहुत थावां ते इन्हां ने तलाशियां कीतियां। जिहड़ा 1
बड़ा निंदन योग आ। एक खालसे के जन्म दिहाड़े नू मुख रख के यह जे हालात बनाए जा रहे हैं कि संगतां कट्ठियां ना होण। सानू सारियां नू इन्हां गल्लां वल ध्यान देना चाहिदा, सानू कत्तरतावां करके इन्हां गल्लां दा जवाब देना चाहिदा कि जो सरकार कर रही आ। दूजी गल, असीं इह सरकारां देखियां जिवें गल कीती आ भाई साहब हुणां भी किरदारां दीआं सरकारां हुंदीआं ने, जिन्हां दे किरदार होण उन्हां नू लोक खुद राज दिंदे ने। पर आ तुसीं पिछली सरकार देख ही लई, इहदों पिछलियां सरकारां वी देख लईआं जिहड़ियां किरदारां तों बगैर वोटां नाल बणीआं ने, ते उहनां ने साडे नाल हालात की कीता। जे असीं इहो जिहियां सरकारां चुणनीआं ने ते कोई फायदा नहीं इन्हां नू चुण के मुड़ के इन्हां तों छत्तर खाणे ने, ते कोई फायदा नहीं इहो जिहियां सानूं सरकारां दा जिन्हां ने दिल्ली दे कठपुतली बन के चलना। जिन्नियां भी अज तक सरकारां चलियां उवें ही चलियां ने, सानू इन्हां सरकारां तों कोई आस ना हैगी आ, ना है होणी आ, ते ना रखनी चाहीदी आ। सानू अपने राज वल वधना चाहीदा। दूजी गल, खन्ने दी SSP बीबी ने एक गल तां चंगी कर दित्ती आ कि जिहड़े साडे खालसे राज दा परचम दा साडी आम जनता नूं पता नहीं सी, उन्हें सारियां नूं दस दिता कि थोड़ा किसे टाइम राज सी ते आ थोड़ा परचम सी, उन्हां ने दिखा के दस दिता। ते हुण मेरा ख्याल आ कि सानू सारियां नूं इह जिहड़ा परचम खालसे राज दा उह अपने अपने घरां ते बनवा के हरेक नूं चढ़ाउणा चाहीदा। साडी भी गड्डी ते लग्गिया, घर ते भी लग्गिया, होर भी इस तरह लगे ने, साडे एरिए च काफ़ी लगे ने, ते सानू सारियां नूं इन्हां गल्लां वल ध्यान देना चाहीदा। सो मैं जो अज दा प्रोग्राम दल खालसा जथेबंदी वालों, साडी जथेबंदी वालों एक सरकार नूं दसण वास्ते कि असीं भुल्ले नहीं, साडी लड़ाई जारी आ, वो रखिया गया। तुसीं जिन्ने भी इत्थे आए जे, मैं सारियां दा अपनी पूरी जथेबंदी वालों धन्नवाद करदा। ते जिहड़ी एक जुझारू जथे वालों, पंथक सेवक जथे वालों एक प्रोग्राम 28 जून का आनंदपुर साहब की धरती ते पंथक सिख कन्वेंशन रखी गई है। असी सारिया ने ध्यान रखना, भावें अजे है तो 2 महीने 2.5 महीने रहिंदा समा, पर ध्यान रख लियो असी उस दिन भी इस तरह उत्थे पहुँचना, आण के असी अपने विचार भी देने आ, ते विचार सुन के भी जाने आ। सो मैं एक बारी फिर अपने वालों, अपनी पूरी जथेबंदी वालों सारिया का थोड़ा इत्थे आउण ते धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।